छोटे बच्चे के लिए ब्रश, अगर आप अपने बेबी को, अपने छोटे बच्चे को ब्रश कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ब्रश दिया जाता है छोटे बच्चे को ये है, वो ब्रश ये है। मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर जो ब्रश है वो भी ट्रांसपेरेंट ही है। और तो ये देखिए इसका पैकेजिंग है, ये इस तरह से ये ओपन होता है, एकदम छोटा सा बॉक्स है और इसको आप इस तरह से, ये आपके फिंगर की साइज़ का ही है तो आपको इस तरह से फिंगर में और इसको अच्छे से फंस लगा कर और आपको अपने बेबी का ब्रश करना है, टीथ साफ़ करना है। तो इस तरह से आप इसको साफ, अपने बेबी का दांत साफ कर सकते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया है, वो 1.5 साल का हो गया है और उसके जो आगे के दांत हैं वो आ चुके हैं, इसलिए ये वाला मैंने ब्रश मंगवाया है उसके दांत साफ़ करने के लिए। तो आप भी अपने बेबी को, और उसके दांत आ चुके हैं तो आप इसे ट्राई, पहली बार अगर आप वो ब्रश कर रहा है तो उसको सॉफ्ट ब्रश दीजिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी उसके दांत में या उसकी स्किन में नहीं लगेगा। ये आप अगर कराते हैं इस ब्रश को, इसको एक ये है कि आप इसे खुद से कराएं और उसके दांत को सिंपली कराएं, सिंपली पानी से धो दें और कोई भी पेस्ट नहीं लगाइए इसे, बस ऐसे ही। आप चाहें तो जो भी, जैसे वैसे कोई भी पेस्ट, बच्चा तो माउथ को वॉश नहीं कर सकता है इसलिए वो पेस्ट नहीं लगाइए, बस इसे पानी से धो के और अपने बेबी के टीथ पर थोड़ा सा रफ़ करिए, इससे क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो वैसे ऑनलाइन तो ये आपको मिल ही जाएगा, छोटा बेबी का ब्रश आप अगर बोलेंगे तो। और अगर आप मेरे थ्रू कुछ डिस्काउंट पे ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे देंगे, आप बस कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।